मेरा कम से कम काफ़ी पुरानी दोस्ती है और हमने कुछ गाने भी साथ में किए हैं। और जब मुझे पता चला पिंकी जी आ रही हैं और मैं इसको बड़ी खुशी मानता हूँ कि पिंकी पारस जी ने मुझे टाइम दिया और ये मेरी दावत कबूल की, क्योंकि ऑलरेडी इनका शो है नागपुर में ताजबाग में 29 तारीख को। और आपने पिंकी जी के बहुत सारे गाने सुने होंगे, जिसमें से मैं एक गाने का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ जो फीमेल वर्जन में उन्होंने गाया था, जो इतना बड़ा ऑलरेडी हिट गाना था, सावन में लग गई आग। तो पहला गाना जो पिंकी पारस जी ने गाया था यूएसए से, वो सावन में लग गई आग जो फीमेल वर्जन है, वो पिंकी जी ने गाया था। जी पिंकी जी, कैसे मतलब ये पहला गाना आपने शुरुआत की थी सावन में, भाई सावन में लग गई आग, कोई खास वजह इसके लिए? वो ऑलरेडी इतना हिट गाना है मीका सिंह का, तो वो मेरा कज़न भाई है, तो मैंने उसको पूछा कि ये मैं तुम्हारा गाना कर लूँ, क्योंकि सबको इतना पसंद आता है, मुझे भी आता है, तो उसको फिर मैंने चूज़ किया गाने के लिए। उसके बाद फिर अपने गाने के बारे में पूछा। जब पहला गाना किया सावन, तो मुझे उसका पब्लिक से अच्छा रिस्पांस मिला, तो मैंने सोचा और भी ट्राई करते हैं, अगर वो पब्लिक पसंद नहीं करती तो वहीं पे फिर ख़त्म हो जाता था करियर। तो इस तरह फिर आगे शुरुआत होती चली गई। उसके बाद दानिश मिले, कम से कम 4 गाने मेरे कर रहे हैं। हाँ, तो उनका गाना आया था, मैंने वो गाने की मैंने उनको मुबारकबाद के लिए फ़ोन किया था। फिर उसके बाद हमने गाने किए, गाना आया था मैं की करा, वो उन्होंने बहुत ही अच्छा गाया था, बहुत रोमांटिक सॉन्ग, पंजाबी रोमांटिक सॉन्ग था। और वो जब मुझे मुझे पसंद आया तो मैंने पिंकी जी को कॉन्टैक्ट किया। फिर पिंकी जी का एक शो था, उसमें पिंकी जी ने मुझे दावत दी, और वो भी नागपुर में शो था। और मैं पिंकी जी के बारे में बताना चाहता हूँ कि माशाल्लाह इनकी यूएस में तो फैन फॉलोइंग है ही, मगर इंडिया में भी बहुत फैन फॉलोइंग है इनकी, और मैंने वो अपनी आंखों से देखी है। मैंने जिस तरीके से पिंकी जी का स्वागत, मतलब मैंने बड़े बड़े सिंगर का नहीं देखा, जिस तरीके से पिंकी जी का स्वागत नागपुर में, शायद वो ये बताना मेरे लिए इसलिए ज़रूरी है कि जो लोग इंडिया में पिंकी पारस को नहीं जानते, उनको ये नहीं पता कि इंडिया में भी, जो मतलब बाहर सोचते होंगे कि पिंकी पारस को हम जानते हैं, उनको ये बताना ज़रूरी है कि इंडिया में भी पिंकी पारस के बहुत चाहने वाले लोग हैं। और पिंकी जी का बर्थडे और इनकी इनकी एंट्री पर इस तरीके से स्वागत किया जाता है, मैंने बहुत सारी जगह देखा, नागपुर में देखा, मुंबई में देखा, काफ़ी जगह। तो मतलब एक सच्चे दिल के आर्टिस्ट हैं, तो इनका वास्ता भी अल्हम्दुलिल्लाह सच्चे लोगों से पड़ा है, तो उसकी बड़ी खुशी होती है। और अभी हम मुझे कुछ अच्छा लग रहा कि आपने इतना सब कुछ नोटिस किया। नहीं, ये नोटिस करने वाली बात है, अगर हम आँख को पट्टी मान ले तो कुछ नोटिस नहीं कर सकते, मगर जो आँख में देख रहे हैं तो वो बोलना पड़ेगा। और दूसरी बात ये कि अभी हम 4-5 गाने हम लोग साथ में कर रहे हैं, हमारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट जो हम कर रहे हैं वो इंशाल्लाह 5 तारीख को हम लोग एक साथ में उसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। बहुत बड़ा गाना है और डांस नंबर है, उसके बारे में हम उसकी हुक लाइन तो बता नहीं सकते, क्योंकि बहरहाल सभी लोग ये गाना देखेंगे, माशाल्लाह हमारे गाने से पहले ही वो हुक लाइन आ गई मार्केट में। ये गाना हमने ऑलरेडी किया हुआ है, वो शूट होने वाला है, वो मैम ने सोलो गाया है। इस गाने के अंदर हम सर हयात मैम का साथ दे रहे हैं पिंकी पारस जी का, और एक इंटरव्यू मेरी भी छोटी सी रहेगी अगर आप लोगों की इजाज़त रही तो। कमाल हो जाएगा। वो जो आइडिया इन्होंने निकाला है नए गाने का, उसमें हम सब हयात तो है ही, इनकी खुद की भी एंट्री है, तो वो अलग है, बिल्कुल अलग। अच्छा, एक गाना था काला होती कूट, उसके बाद हाँ वो मैम का बहुत बड़ा, और अच्छा इन्होंने मतलब इन्होंने गाना किया, उसके बाद वो गाने ज़्यादातर मैंने देखा है कि मतलब कंपनी प्रमोट करती है, जिसने अपने सोशल मीडिया से अपने अकाउंट से उसको करती है, और उसके बाद इस तरीके से छा जाता है, वो बहुत बड़ी बात है पंडित जी। इसका राज हमें भी पता है कि हमें क्या करना पड़ेगा अगर इस तरीके से पब्लिक पे सोशल मीडिया पे कमांड करनी है, तो फिर सोशल मीडिया वो मैंने पब्लिक पहले बनाई, ये एक बात, वो पब्लिक पहले बनाई फिर मैंने गाना निकाला, क्योंकि मुझे लगता था हमारी बिरादरी में सारे लोग ही गाते हैं, तो फीमेल जो है या ऊपर उनको ऊपर तक आ नहीं पाती हैं, उसकी वजह ये होती है कि फैन फॉलोइंग बनी नहीं होती है और गाना निकल जाता है तो सुनेगा कौन, तो मैंने पहले फैंस बनाए फिर गाना लगाया। बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है। चेक गाने की बात हुई तो दुल्हन हो ही जाए किसी दुल्हन का, अभी मेरे दबंग के गाने आए, मेरे दबंग में 4 गाने थे, आप लोगों ने सुने होंगे, मैं तो सुपरमैन तो खैर तेवर का था, मुन्ना बदनाम हुआ यूं करके, नैना लड़े के लड़े रह गए, और हूँ हूँ दबंग, वो गाने मेरे थे। उनमें से मैं गाना गा के आपको सुना देता हूँ। इनोसेंट से ते पहले कहती थी दुनिया, तूने बिगाड़ दिया ओ मेरी मुनिया, मुछो का बाण बना गए सेट बैठ का जल लगा गए,
लगाया तेरे पीछे सेट बैट का दल लगा के तेरे प्यार में ये तो कमाल मेरी जान हुआ रे मुन्ना बदनाम हुआ तारा सावन में लग गई आग दिल मेरा पूछो ना क्या हुआ आज दिल मेरा सावन में लग गई आग दिल मेरा ये नया पे सुना ये वाला बहुत प्यारा गाना है उसको चेंज किया फिर जो लड़के उनको भेजा की ये देखो इस तरह करना चाहिए उसमें मेहनत दिख रही है अभी पिंकी महाराज जी का वो गाना आया था काला बाती कुर मतलब उसमें भी एक नई बात थी काला बाती कुर मतलब लव जी मैंने पहली बार सुना था काला बात कर तब मैं खुद भी लेके साइड पे हरियाणवी शब्द है कि लड़की को पटा लिया क्या अच्छा काला बात कर वो काला दादू से निकाला हुआ मामला वो बोलते हैं फंकी वर्ड्स और स्लैंग वर्ड्स उस तरह का नहीं कुछ ना कुछ नया होना जरूरी है तब लोग पसंद भी करते हैं सर काला की खून की बात में गुना हो जाए जाने की क्या उसकी दो लाइन अजीब सी एक बताऊँ मैं आपको आज की दुनिया में वही चीज चल रही है जो अजीब सी है मेरा पीछे पीछे ना आ तू नहीं ते मैं शोर मचा दूंगी तेरे इश्क के भूत का सरे आम पब्लिक में बैंड बजा दूंगी चल हट ले चल कट ले चल भग ले कालाबादी कुर मतलब मैंने जो रिकॉर्ड किया इनकी आवाज में एक अच्छी सबसे अच्छी बात यह है कि इनकी अपनी आवाज है जो अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं इसलिए बता रहा हूँ उस पिक्चर का मैं नाम नहीं बताऊँगा वो जल्दी रिलीज होने वाली है उसमें पिंकी जी को मैं मेरे लिरिक्स हैं और पिंकी जी को मैं गवा रहा हूँ तो वो बहुत बड़ी मूवी है उसमें दिलजीत दोसांझ जी हैं और वो हमारा काम उसका स्टार्ट है और वो कुछ लाइनें मुझे पिंकी जी को उसमें गवानी है मुझे कंगना जो है वो मुझे बेहद पसंद है शायद लुक भी आपने भी बोला कि उस पे सूट होती है और तो अगर मुझे कभी मौका मिला तो मैं उनके लिए कंगना की कोई फिल्म देखी आपने जो सारी देखी सारी देखी गाना कोई ऐसा जो उनका जो अगर सिंगर है तो फिल्म में मुझे नेहा कक्कड़ पसंद है बेहद पसंद है तो सुनिधि चौहान पसंद है कलाकार तो बहुत सारे हैं सारे अच्छे हैं सबकी अपनी अपनी जगह है लेकिन मेरे जो फेवरेट हैं वो नेहा कक्कड़ फर्स्ट नंबर में नेहा कक्कड़ मुझे बेहद पसंद है और मैं हाँ जी और मेल में ऑफकोर्स मिक्का सिंह मेरा भाई तो मेरी जान है हाँ बिल्कुल सवाल कमाल के पूछ रहा आप मतलब जो हमारे पास हमने सोचा भी नहीं कि सवाल आएगा वो वाले सवाल दे रहा हूँ अब कौन सा गाना होगा मैडम ने तो ऑलरेडी सावन में लग गया किया है उनका तो फेवरेट होता है उनका तो हो गया मेरी सोच ये है कि मैं जितना काम करूँ मतलब मैं अपने गाने का भी नहीं चाहता कि वो भी रिमेक बने कभी क्योंकि आजकल रिमेक का इतना हो गया ना रीमेक का इतना हो गया कि चलो सावन में लग गई आपने किया वो एक मेल सुपर डुपर हिट गाना था उसके बाद आपने किया तो उसको फीमेल किया तो ये नई चीज़ हो गई और उसको नए तरीके से किया मतलब एक महीने पहले एक साल पहले आया हुआ गाना रीमेक हो रहा है ये बहुत गलत बात है और वो चल भी नहीं रहे हैं मोर कंपनी के पास उसके राइट्स हैं उन्होंने उनको लगा कि हम दोबारा उसको हीरो पर डालेंगे तो ऐसा हो जाएगा ऐसा नहीं होता बड़े मतलब मैं नाम ही लूंगा इतने बड़े हीरो के पर अभी ये गाना रीमेक हो गया है जो एक साल पहले बहुत बड़ा हिट था मैं नहीं चल पाया वजह क्या कि मतलब पब्लिक को बिल्कुल ऐसा समझा हुआ कि कुछ भी करके दे देंगे तुमको लगेगा नया ऐसा नहीं होता तो एक मतलब हिट गाने को मेरे अगर मुझे रीमेक करना हो मुझे जैसे पिंकी महाराज ने सावन में लग गया किया क्योंकि उनके ब्रदर का गाना था मैं करूँगा तो मुझे करना मैं चाहूँगा कि मैं करूँ तो करूँ तेरी जवानी बड़ी मस्त मस्त है वो मेरे डैडी का गाना था